हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं इस समय रामलीला ग्राउंड से कर रहा हूँ, जो हल्द्वानी का सबसे बड़ा रामलीला ग्राउंड है। मतलब सबसे बड़ी रामलीला यहीं होती है। सो आज है यहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम। तो सभी लोग को सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। सो 2 दिन की जन्माष्टमी होती है यहाँ पर। तो चलते, मतलब होती तो एक ही दिन की, लेकिन 2 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है। चलते हैं पहले फील्ड में एक राउंड। वही चलते हैं, और रात में लाइट्स भी लग चुकी हैं। तो एक राउंड मंदिर के अंदर। ओ भाई, वही पहुंच गए अंदर। भाई तो गाइस अभी निकलना था मार्केट की। और भाई इतनी घनी धूप हो रही ना भाई। जन्माष्टमी के दिन होती तो बारिश है, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन शाम को बारिश अवश्य बहुत ज़रूरी होगी, मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरह धूप हो रही है ना, उतनी चीज़ें बारिश भी हो सकती है। अभी अभी मैं अपने वहाँ को थोड़ा काठगोदाम रोड पे, तो भाई देखिए झंडे लग चुके हैं रोडों में पूरा ऊपर तक। यहाँ तक ये फाइनल है, ऊपर तक। तो मैंने वहाँ से ब्लॉग शूट नहीं किया फिलहाल। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ गौशाला काम के लिए, जो भी इस समय हूँ मैं घने जंगल में। भाई फेस में मास्क लगा के, भाई क्योंकि गर्मी हो रही थी, धूप हो रही। लेकिन शाम के अभी 5-6 बजने वाले हैं, और मैं 6 बजे इस समय पूरे जंगल में आता हूँ। और समय तो मैं हमेशा 4 व्हीलर पर आता हूँ, लेकिन अभी शाम का समय, रात के समय बहुत खतरा होता है, बहुत भयंकर था। बहुत बड़ा जंगल है भाई, और यहाँ पे शेर, बाघ, हाथी, हिरण बहुत है, सुअर, भालू, ये सब है इधर। तो इस समय में, लेकिन दिन में अभी उतना खतरा नहीं, सारी बाइक वगैरह चलती रहती है। लेकिन जानवर का कोई भरोसा नहीं, किस समय भी कहाँ पे भी आ जाए। और ये भाई अभी मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ, और नहीं तो वो बिना कोई ना जीप से चले जाता या किसी चीज़ से चले जाता। ये बाइक छोटा मैं किसी से भी चले जाता हूँ। दिख रहा है बड़ा जंगल है ये। भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई गौशाला की ये सबसे बड़ी रैली। तो समय यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मैं तो गाड़ी भाई पैदल आया। भाई भगदड़ मच गई है। अब ये बहुत महंगा क्राउड है भाई। चलते हैं पहले आगे की ओर। पहाड़ी बैंड बहुत महंगा क्राउड है भाई। और एक और डोला आ चुका है, कृष्ण किसका आया है? अर्जुन और कृष्ण जी का एक और डोला। अच्छा अर्जुन है, आप पीछे अर्जुन है ना, आगे कृष्ण है जो। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ घर। और भाई इतना गौशाला में कृष्ण जन्माष्टमी की रैली इतनी तगड़ी थी ना, इतनी तगड़ी थी भाई। और मेरी हालत इतनी, दिन भर पसीने, बाल भाई धूल मिट्टी में इतने बुरे हो चुके हैं हालत। और भाई बियर्ड, मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो चुकी है, बाल इतने हो गए कि मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों को मैं इसे क्लीन करूँ, क्योंकि भाई बहुत ऑड हो रहा है। और जूते में ना मेरा बहुत ही कीचड़ वॉट लग चुकी है भाई। मतलब पूरा कीचड़ में, मतलब रैली इतनी भीड़, हजारों लाख ना हो जाए भाई, हजारों लोग थे भाई, लाख तो बहुत हो गया, हजारों लोग थे भाई। और बहुत भयंकर का क्राउड था। तो चलते हैं भाई, और अभी पहले अपने जूते धोता। हाँ, जूते मेरे बहुत गंदे हो गए। ये मेरे जूते भाई कल नई भैंस की पहनी, और ऐसी हालत हो गई इनकी, कीचड़ में लटपटाड़। पहले इनको धोने पड़ते हैं अब। सो गाइस अभी हम लोग, देवेंद्र भाई, हम लोग भाई अपना काम निपटा के, भाई मैंने तो अपने जूते वूते धो लिए थे। और अभी रात के 10-11 बज रहे हैं भाई, और हम लोग निकले हैं घूमने। पूरा कृष्ण जी का बर्थडे को भाई साहब कितना डिज़ाइन कितना अच्छा कर रहा था भाई। हाँ भाई हम पहुंच चुके हैं अभी, और अभी जा रहे हैं भाई अंदर ही को नीचे। बहुत भाई बहुत प्राउड है मिस्टर देव और हम। वाह, और बहुत ही क्राउड है भाई आज तो यहाँ भी, हर पूरे शहर में कृष्ण जी का जन्म बर्थडे बनाया जा रहा है। दादा क्या हाल है? भाई लाइव सिंगिंग चलती है। छोटा सा परिवार है सबको तुमसे प्यार, छोटा सा परिवार है सबको तुमसे प्यार है। हम सब जीवन गंभीर है, हम सब जीवन गंभीर है, हम बाबा तेरा नाम हो हमें। देखो हमारे भगत जी ने कितना सटीक उत्तर दिया कि मैंने पूछा धन दौलत, बोले नहीं। मैंने बोला पैसा गाड़ी करे नहीं, मैंने बोला फैक्ट्री करे नहीं, मैं कहा क्या कहना कि बिहारी जी का प्यार। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे साथ बिहारी का प्यार है तो हमारे पास तो धन दौलत आना ही आना। इसलिए कहा है प्यार तुम्हारा मिल जाए यही खजाना काफी है, प्यार तुम्हारा मिल जाए यही खजाना काफी है, प्यार तुम्हारा मिल जाए। ठीक है, उठना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा सबको। आएगा आनंद, बहुत मजा आएगा, देखना आनंद बहुत आएगा। कुछ भी करो, आओ सब आ। दीपू भाई जरूर चाहूँगा जितनी संगत बैठी है ना एक बार सब खड़े होकर यहाँ पर आओ, आनंद आपको भी आएगा और मेरे बिहारी जी को भी आएगा। जो बिहारी जी को आनंद लाना चाहते हैं ना वो आगे आएंगे। एक बार कुर्सी की टेंशन मत लो, कुर्सी आपकी है। और ये तो चीज ही ऐसी है जो कभी किसी की हुई नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज शर्मा जाओगे तो कल पछताओगे। अरे बिहारी जी के दरबार में गए थे, हाजिरी भी नहीं लगाई, मन अधूरा रह गया बिना हाजिरी में। आ जाओ पहले। हम लोग जागरण से निकल गए हैं भाई साहब, बहुत भीड़ दूर है वहाँ तो, इतना प्यारे प्यारे सिंगर आए ना वहाँ, हम लोग तो आ गए वहाँ से क्योंकि फ़ोन में बैटरी हो रही थी डाउन और अभी कुछ खाया भी नहीं था, तो हम वहाँ से सीधे मंदिर चले गए थे। वहाँ से भाई जागरण में चल गए, मतलब हल्द्वानी के हर एक कोने में ना आज भाई कृष्ण जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो भाई आज हम पहुँच गए बादाम शेक पे, तो आज मैंने भाई फलूदा ही लेनी है, आइसक्रीम खाना। तुम्हें नहीं खाना है? तुम नहीं खाओगी बेबी? ठीक है फिर मैं खाता हूँ फालूदा, चेक करते हैं कैसा हो रहा है आपका। तो क्या आगे मेले में बहुत भीड़ है, वापस जा रहे हैं भाई इधर को, बहुत ही भीड़ हो रही है। रात भर मतलब पूरी रात मेला चलेगा भाई, पूरी रात कृष्ण जी का जन्मदिन बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा मतलब। तो इसी के साथ कह रहे अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, घर जा रहे हैं भाई, खा पी लिया और कुछ खाया नहीं, शेक किया और फालूदा खा लिया जिससे मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो बहुत टाइम बाद फालूदा खा। तो गाइस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें। भाई अंदर कितना हो रहा है, तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं एंड करके भाई अब जा रहे हैं घर, सोते हैं, एडिटिंग करते हैं भाई, बहुत काम। ओके, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।